किस समय? वैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जाकर रामचंद्र दुख दीना वैके मति पहले हर लेना, हमारे अवधि में कहा जाता है। जो महाराज विनाश की ओर बढ़ता है ना, समझ लो उसका पतन होने वाला है। और इस समय उनको व्यास मंच से करारा जवाब देना जरूरी है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जिन्होंने रामचरित मानस को जलाने का कुकृत्य किया है। राम जी उनको जला करके खाक कर देंगे। ऐसी हमारी व्यास पीठ से उनके लिए वचन है कि एक दिन देखेगा उनका अस्तित्व समाप्त तो हो जाएगा, कोई जानेगा भी नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है। उन्होंने एक चौपाई पर टिप्पणी करी है महाराज, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कहते महाराज उसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और मैं तो खुद नारी हूं, क्या कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ढोल ये सब ताड़ना के अधिकारी है। ताड़ना हमारे अवधि शब्द में है कि जब कोई हमें बार बार देखता है, घूरता है, तो हम बोलते हैं देखो कब से ताड़ रहा है। अर्थ का अनर्थ महाराज आज लोग लगा लेते हैं। ताड़ना मतलब देखना कहते हैं, जिसको समय समय पर बार बार देखा जाए उसको ताड़ना ही कहते हैं। और ढोल, आपके घर में ढोल रखा हो, समय समय पर उसको देखिए नहीं, धूप नहीं दिखाइए, तो वो खराब हो जाएगा कि नहीं? इसलिए समय पर उसको देखना पड़ेगा। ढोल गवार, गवार को भी महाराज समय समय पर देखना पड़ता है, कहीं घर में कोई ऐसा अनर्थ ना कर दे कि घर वाले रोड पे आ जाएं, इसलिए उसको भी समय समय पर देखना पड़ता है। ढोल गवार शूद्र, शूद्र अर्थात शूद्र वो नहीं है जो जाति में जन्मा है। मानस में विश्वामित्र जी जाति से क्षत्रिय थे, पर उन्हें ब्राह्मण वृत्ति दी गई क्योंकि उन्होंने तप किया है। व्यक्ति की पहचान कार्य से होती है। यदि कोई छोटा व्यक्ति है उसको समय समय पर देखना पड़ता है ताकि वो कोई गलत निंदनीय कार्य ना कर दे। नारी, नारी, नारी को यदि समय समय पर संरक्षण ना प्राप्त हो, उसे देखा ना जाए, तो वो नारी भी विनाश का कारण बन जाती है, इसलिए उसे भी समय समय पर देखना पड़ता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि पहले एक नारी पिता के अधीन होकर के रहती है, और उसके बाद वही नारी पति के अधीन होकर के रहती है, और वही नारी जब माता बन जाती है तो पुत्र के अधीन होकर के रहती है। लेकिन महाराज जो इसका अर्थ से अनर्थ करता है, वो समझ लो राम जी ने ही कुछ ऐसा चक्र चलाया है जो उसके विनाश का कारण बन जाएगा। तो उनके लिए जवाब है कि जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा नहीं, सत्संग में गए नहीं, वो तो रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को जलाएंगे ही। और मैं नहीं कहती, व्यासपीठ से पूरे भारत के संत कहते हैं कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। ये मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि हमारी पहचान राम जी से है, हमारी पहचान हमसे नहीं है। हम क्या है? कुछ भी नहीं है। यदि मैं राम का नाम नहीं गाती, भगवती की कथा नहीं करती, तो आप लोग राम राम करते मुझसे, कोई जानता मुझे? नहीं जानता। इसलिए तो मैंने कहा कि भगवती की कृपा से ही सब संभव हो पाता है। हम अपनी कृपा से कभी कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर कोई कहे कि व्यास मंच से राजनीति की बात क्यों, हम राजनीति की बात नहीं करते हैं, हम धर्म नीति की बात करते हैं, क्योंकि हम धर्म से जुड़े हैं, हम धर्म की कथा करते हैं। और जब राज गद्दी पर बैठा व्यक्ति बिगड़ जाए, तो व्यास गद्दी पर बैठे व्यक्ति को बोलना पड़ता है। यही धर्म नीति है। जब जब भी हमारे राजाओं ने आतताई का स्वरूप लिया, तब तब संत आ गए, विश्वामित्र जी आ गए, वशिष्ठ जी आ गए उन्हें सलाह देने के लिए। अगर हम व्यास मंच से बोले तो क्या गलत है? क्योंकि हम भी तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और धर्म का कोई कुठाराघात करे तो मंच से बोलना पड़ता है।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे तो तेरी मोहब्बत ने मशहूर कर दिया मेरी मैया, मुझे तो तेरी मोहब्बत ने मशहूर कर दिया मैया, वरना मैं सुर्खियों में रहूं इतनी औकात कहाँ, इतनी औकात कहाँ। ये भगवती की कृपा है, और वो भगवती जब कृपा करती है तो जब महिषासुर जैसे दैत्य का विनाश करती है तो कलयुग में महाराज हजार दैत्य आ जाए उनका भी विनाश पल भर में कर देगी। इस प्रकार भगवती ने महिषासुर का